मेरी आवाज आ रही है शिखर? हाँ सर आ रही है। मेरी आवाज आ रही आ रही है सर। ईयरफोन है? आ रही आवाज? हाँ सर आ रही है। एक मिनट रुको, जरा मैं जरा ईयरफोन कनेक्ट कर दूँ। अब देखो आ रही आवाज सर? हेलो, एक मिनट, आवाज आ रही है? आ रही है सर, चार बार। सर सर आ रही है। अच्छा 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 हमारी तो नहीं आ रही है मुझे। नहीं है। हेलो, सर आ रही है। आवाज भी फुल है, तुम्हारी आवाज भी नहीं आ रही। मेरी तो तुम आ रही है लेकिन तुम्हारी नहीं आ रही मुझे। ये भी जैक सिंफनी है भाई? ये जैक सिंफनी है? इसका क्या नाम है डिवाइस का? क्या नाम है इसका? जैब सिंपल है, टोकर्स है, टोकर्स फोन तो है। डाउन हो रही है, ब्लू लाइट जलती है फिर कुछ बोलते हैं। क्या चल रही? अभिषेक सर तुम्हारे लैपटॉप में आवाज नहीं आती? ऐसे समझ नहीं आती। हेलो, हाँ सर, तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही, कैसे पढ़ा हूँ? आ रही है सर, मुझे आ रही है। अच्छा तुम आ रही है, चलो तुम्हारी आ रही है थोड़ी थोड़ी। चलो मैं कोशिश करता हूँ जैसे भी पढ़ाया जाए, थोड़ा सा टाइम भी आगे बढ़ गया है। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी लैपटॉप की? दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। बढ़िया सर, तो चलो अब आ रही है तुम्हारी आवाज सही। तो हम पढ़ रहे थे एल्कोहल्स, फिनोल्स, एनीथर्स, सेकंड पीपीटी हमारी शुरू हुई थी।
और इसमें हम 18 पर पहुंच गए थे आईयूपीएसी में. As you see that energy is gas turbine. एटीन पर आ गई थी ना. सिक्सटीन भी हो गया था हमारा, सेवनटीन भी हो गया था हमारा, एटीन बताओ चलो, एटीन भी हो गया था हमारा, नाइनटीन बताओ, नाइनटीन का क्या नाम बताओ, नाइनटीन का नेम. थ्री ब्रोमोफिनोल. थ्री ब्रोमोफिन नहीं, आप ये देखो ना, फिनोल तो ये होता है ना, फिनोल के लिए तो बेंजीन रिंग का होना जरूरी है. ये बेंजीन रिंग थोड़ी है भाई, ये बेंजीन रिंग थोड़ी है, ये तो साइक्लोहेक्सेन है. चलो मैंने इतना हिंट दे दिया. थ्री ब्रोमो साइक्लो हेक्सिनोल है ना, ये है इसका नाम. ये 1 2 3 काउंटिंग करती है. थ्री ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन वनोल, वनोल लिख दो, हेक्सिनोल लिख दो, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. चलिए आगे देखें. टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ एल्काइल हैलाइड. अगर आपको किसी भी एल्काइल हैलाइड की पॉसिबल आइसोमर फाइंड करने हो, आइसोमरिज्म तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया होगा, हम लगाएंगे 2 की पावर n-1, ठीक है. पॉसिबल आइसोमर ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल एल्कोहल्स प्लस ईथर्स, दोनों के निकालने हो तो -1 कर देंगे, ठीक है. अब आप बोलोगे n क्या है, n जो है यहाँ पर है काइरल सेंटर, क्या है n है नंबर ऑफ काइरल सेंटर. और काइरल सेंटर क्या होते हैं आपको पता ही है, काइरल सेंटर होता है एक ऐसा कार्बन जिससे चार अलग अलग ग्रुप अटैच हो, उसको काइरल कार्बन बोलते हैं. जैसे कि ए बी सी डी, ये कार्बन कहलाएगा काइरल सेंटर, ठीक है. पॉसिबल आइसोमर ऑफ ईथर्स, ईथर्स के पॉसिबल आइसोमर्स क्या होती है, फॉर्मूला है निकालने का, हालांकि इतना ज्यादा यूज नहीं होगा एनसीईआरटी में, है ना. इनको 2 की पावर n-1 - 2 की पावर n-2, है ना भाई. आप खुद सोचो, सिर्फ एल्कोहल्स के हैं 2 की पावर n-2, एल्कोहल्स ईथर के हैं 2 की पावर n-1 - 1, तो सिर्फ ईथर्स के निकालने हो तो जो टोटल वाले हो ना उसमें से एल्कोहल्स वाले हटा दो तो आपके क्या बचेंगे, सिर्फ ईथर्स के बचेंगे. तो देखो वही तो फॉर्मूला लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग वाला जो फॉर्मूला है एल्कोहल्स प्लस ईथर का है, एल्कोहल्स प्लस ईथर्स का है, और जो लास्ट वाला है ये सिर्फ एल्कोहल्स का है. तो एल्कोहल्स प्लस ईथर में से एल्कोहल वाला हटाओगे तो जाहिर सी बात है ईथर का ही बचेगा, और वही हमारा फॉर्मूला वेयर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है. n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. चलो आगे देखो क्वेश्चन का आंसर दो, पहले क्वेश्चन का आंसर दो क्या होगा. कौन सा, कुछ नहीं है अभी, बताया नहीं. अच्छा, कौन सा ऑप्शन है, ए तो करने तो दो, अभी कुछ बोला ही नहीं मैंने. कर लो, मुझे आवाज आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, इसलिए मैं थोड़ा तो बार-बार तुमसे पूछ रहा हूँ, कम आ रही थोड़ी आवाज. लैपटॉप ही ऐसा है, मतलब माई साइड से तो ठीक है. बी आएगा, बी हाँ बिल्कुल सही है सर, उन्हें भी यही चाहिए, है ना. कैसे कर सकते हो भाई, ऐसे 3 कार्बन की चेन ले लो, ये काउंटिंग कर दो 1 2 3, 2 पे क्या लगा है मिथाइल, तो क्या हो गया 2 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रोटीन, जिसके 2 पे क्या लगा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन है सेकंड ऑप्शन चेन बना के दूं या बना लोगे? बना रहा हूं सर, बना हुआ 3 4 5 1 2 3 4 5 4 ऑप्शन कौन सा? सी बिल्कुल सही जवाब 4-chloro-2,3-dimethyl पेंटेन बनोल बिल्कुल सही। आपने ना ये क्या होगा, आपने इसमें ये वाली चेन ली होगी, मुझे उम्मीद है सीधी सीधी चेन ली होगी ऐसे करके, और सीधी सीधी चेन लेने के बाद ये सीधी सीधी चेन लेने के बाद आपने सीधा अब इसकी काउंटिंग कर ली होगी, है ना? क्या भाई यहाँ पर ये वन है ना, देखो ये दिखा ये भाई ये कितना हो जाएगा, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो शायद अभी आया था, दोबारा आ गया। ये तो अभी आया था, ये दोबारा आ रहा है। ये 3-bromo वाला, ये ऑप्शन डी ऑप्शन डी 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 अच्छा डी बिल्कुल सही जवाब। पॉसिबल आइसोमर ऑफ एल्काइल एल्कोहल, सिर्फ एल्कोहल के पूछ रहा है, आइसोमर कौन सा ऑप्शन होगा सिर्फ एल्कोहल के? कैन वी से दैट पावर एन माइनस 1 ऑप्शन सी ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर है ना ये था फॉर्मूला 2 की पावर n-2, ये था सिर्फ एल्कोहल के आइसोमर का, है ना? वो फॉर्मूले याद करने कोई बात नहीं, अगर आपसे गलत हो गया तो अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है याद होने में दिक्कत हो, रिवाइज बुक करोगे ना जो है हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एल्कोहल के फॉर्मूले होते हैं 2 की पावर n-2, 2 की पावर n-2। अब है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर्स ऑफ मेथेनॉल, देखो मेथेनॉल की स्ट्रक्चर देख लो आप किस तरीके की होती है, है ना? ये कार्बन भाई मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगे हैं 3, 1, 2, 3 और OH। तो अगर मैं होगा हाइब्रिडाइजेशन पूछू तो आप क्या बताओगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, यानी कि 2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर, टोटल समेशन कितना हो गया 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा SPP, एंगल कितना आना चाहिए लगभग 109.5 डिग्री इतना एंगल आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एंगल कम हो जाता है क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से, भाई एक्चुअल में ऐसा होता है ना, ये ऑक्सीजन, ये H और यहाँ पर ये CH3 लगा है, तो ये 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, 1 लोन पेयर यहाँ, 1 लोन पेयर यहाँ, ये रिपल्शन लगाते हैं और रिपल्शन लगा के क्या करते हैं एंगल 109.5 डिग्री से थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका एंगल कितना रह जाता है, इसका एंगल रह जाता है 108.9 डिग्री। क्लियर है? यस सर। चलो स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, ये फिनोल की स्ट्रक्चर है ना? हाँ, अगर मैं फिनोल के इस ओको हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या बताओगे? 1, 2, sp3 sp3 है, sp2 है, sp3। अब देखो तुम्हें ये ध्यान रखना है ना, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ना वो जो है वो है sp2। आप बोलोगे कैसे, वो ऐसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो एक लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, उनसे रेजोनेंस में पाई
सिग्मा लोन पेयर, ये मैंने सिखाया होगा तुम्हें रेजोनेंस। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस आ जाता है उसको रेजोनेंस के अंदर काउंट नहीं किया जाता, उसको सॉरी उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो क्या बचा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, तो ये समीशन कितना आ रहा है, थ्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा फिनोल की ऑक्सीजन, ठीक है। यस सर। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी लोन पेयर एडजेसेंट, ऐसे कैसे लिखना, जब भी लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, इट शुड नॉट काउंट इन, इट शुड नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। बोलो क्लियर है सर, ये लास्ट पार्ट एक बार दोबारा बता दो, लास्ट वाला। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी लोन पेयर जब भी रेजोनेंस में आ जाएगा, और रेजोनेंस आप जानते हो, रेजोनेंस की कंडीशन मैंने आपको थोड़ी थोड़ी तो बताई थी जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनिक का। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये तो होती है पाई सिग्मा लोन पेयर। आप खुद सोचो, अगर मैं ये एग्जांपल दूं जरा, CH2 रेजोनेंस की सर कोई भी कंडीशन की कोई फिक्स है कि बस पाई सिग्मा पाई में, कुछ भी कि कोई सी भी, क्या हुआ, रेजोनेंस की कोई सी भी कंडीशन में नहीं गिनते कि कोई ऐसी भी होती है जिसमें गिनते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सिर्फ ये लोन पेयर वाली होती है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ लोन पेयर काउंट होता है, तो लोन पेयर वाली भी तो बात करें। बाकी रेजोनेंस की कंडीशन तो ये भी होती है पाई सिग्मा पाई, लेकिन भाई रेजोनेंस कंडीशन पाई सिग्मा पाई भी होती है, लेकिन हम उससे क्या मतलब, पाई नहीं मतलब वही पाई तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो जिस लोन पेयर वाली जो रेजोनेंस, कोई सी भी मतलब कोई सी भी रेजोनेंस हो तभी ना, लोन पेयर का कोई सी पाई सिग्मा पाई हो, कोई सी भी हो तब भी करेंगे, कोई सी भी लोन पेयर के बाद ये वाली भी हो ना, एक ये वाली भी तो होती है। अगर आपको याद हो पॉजिटिव और लोन पेयर, ये पॉजिटिव के बगल में अगर लोन पेयर रखा हो तब भी रेजोनेंस होता, तब भी अकाउंट नहीं होगा। आप खुद सोचो ना, ये लोन पेयर यहाँ है, देखो यहाँ कंडीशन कौन सी है, ये एग्जाम्पल है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में है, तो इसका हाइड्रोजन क्या होगा, सिर्फ नाइट्रोजन पे तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा ये दो हाइड्रोजन वाले, तो समेशन क्या हो जाएगा, थ्री। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp2। ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, होगी क्लास हो गई, चला गए। हाँ सर। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ डाइथाइल ईथर, ये इथर की स्ट्रक्चर है ना, ये मैं बाकी रफ कर देता हूँ। इथर की स्ट्रक्चर देखो, इथर की, भाई आप खुद सोचो, अब इस इथर में जो ऑक्सीजन है, क्या इसका रेजोनेंस वो बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन इसका बताओ आप, कौन सा देखो स्ट्रक्चर, ये तो रेजोनेंस में है नहीं, जाहिर सी बात है, हैं, ये तो है नहीं रेजोनेंस में। हाँ, ये तो sp3 होगी, यहाँ तो रेजोनेंस की कोई कंडीशन दिख ही नहीं रही है, तो sp3 होगा लिखा हुआ भी यहाँ पे ना, तो ये सारे अल्कोहल की स्ट्रक्चर है, बस आपको हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर तो कभी नहीं पूछता, ना एंगल पूछता, ना बॉन्ड लेंथ पूछता, कुछ नहीं पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है अगर पूछो तो, वैसे कम चांस हाइब्रिडाइजेशन पूछता है ना, बहुत और कुछ भी चीजें पूछने वाली। तो लिखा हुआ है दो बॉन्ड एंगल COH3 अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 1090। कह रहा है कि बॉन्ड एंगल मिथाइल अल्कोहल में जो COH वाला बॉन्ड होता है वो 109 से कम होता है। क्यों कम होता है, मैंने बताई दिया, रिपल्शन लगता है लोन पेयर का, है ना। तो नेक्स्ट लाइन देखो, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इट्स ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्शन लगता है। भाई आपको सोचो, ये ऑक्सीजन है, इसके पास दो लोन पेयर थे ना, यहाँ भी थे, इनमें आपस में खतरनाक रिपल्शन लगेगा, तो ये इधर नीचे बॉन्ड एंगल पे भी लगाएंगे, जिसकी वजह से एंगल 109, 28 मिनट बोल दो, 109 या 5 डिग्री बोल दो, 109 5 डिग्री बोल दो, या फिर ये बोल दो 109 28 मिनट, ये दोनों एक ही वैल्यू है, ये टोटल डिग्री में है, ये डिग्री और मिनट में है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, 109 से कम हो जाता है थोड़ा सा, वो रिपल्शन की वजह से ही हो रहा है लोन पेयर के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनोल इज स्लाइटली लेस देन इन मेथनॉल. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल इज स्लाइटली लेस देन इन मेथनॉल. भाई आप खुद सोचो, होनी भी चाहिए क्योंकि फिनोल के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो तो रेजोनेंस में. ये देखो ये रेजोनेंस में है, लेकिन और मेथनॉल वाला जो OH है ये कह रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो यहाँ पर होगी और जो फिनोल में कम होगी. क्यों कम होगी? होनी भी चाहिए ना. देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ अगली वाली पाई सिग्मा लोन पेयर. तो स्ट्रक्चर कैसा आएगी? लोन पेयर ऐसे शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, तो जो स्ट्रक्चर आएगी हमारी तो लोन पेयर का हेड जहाँ पर होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज है ना. भाई मैंने स्ट्रक्चर तो बनानी सिखाई आपको, ये प्लस. आप खुद सोचो, जो बॉन्ड कभी सिंगल हुआ करता था आज वो बॉन्ड डबल हो चुका है, तो जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, डबल की कम होती है. यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होगा, जब जब रेजोनेंस होगा तब तक बॉन्ड लेंथ सिंगल से डबल आती तुरंत छोटी हो जाएगी, कंफर्म बात है. तो जहां रेजोनेंस होगा वहां की बॉन्ड लेंथ कम होगी, जहां पर रेजोनेंस नहीं होगा वहां की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. बताओ क्या कहते हैं? ठीक है सर. हैं? हाँ सर. चलो आगे देखो, ये तीनों पॉइंट क्लियर है जो लिखे हैं ऊपर. नेक्स्ट, ये ऐसे क्यों होता है? आपको पता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. भाई पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर किसकी वजह से आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को तो मतलब जानती होगी ना, जब एक सिंगल बॉन्ड में थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है एंड वो भी रेजोनेंस की वजह से. और ये इसको दूसरा नाम क्या होता है? डीलोकलाइजेशन बोल दो चाहे रेजोनेंस बोल दो, एक ही बात है ना. क्योंकि जहां डीलोकलाइजेशन होता है तो जाहिर सी बात है कंफर्म बात है रेजोनेंस हो गई. एक रीजन हो रहा है कि भाई sp2 कार्बन अटैच टू OH ग्रुप. आप खुद सोचो जो फिनोल का कार्बन है, यहाँ देखो ध्यान से, एक रीजन हो रहा है ये OH. फिनोल का जो कार्बन है इसका हाइड्रेशन निकालो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तो हाइड्रेशन आ गया sp2. जबकि मेथेनॉल का जो कार्बन है इसका हाइड्रेशन है sp3, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होती है. sp2 कार्बन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचकर बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा कम कर देते हैं. तो बॉन्ड लेंथ कम होने का एक रीजन ये भी है क्योंकि फिनोल के अंदर कार्बन sp2 है जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचकर बॉन्ड को थोड़ा बॉन्ड की लेंथ थोड़ा कम कर देता है. जबकि मिथेनॉल के अंदर कार्बन जो है वो sp3 है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वो इतना नहीं खींच पाता, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम नहीं हो पाती. तो एक तो रेजोनेंस वाला रीजन आ गया जिसको डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्रिएट होगा, और दूसरा रीजन हो गया फिनोल के कार्बन का sp2 होना. अब बताओ ये पूरे दोनों रीजन क्लियर है कि नहीं? यस सर. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, अब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देख लेते हैं. सबसे ज्यादा तो ईथर में है ना, फिर फिनोल में है ना, और सबसे कम किस में था? सबसे कम था एल्कोहल. भाई आप अगर मैं ईथर की बात करूं, ईथर की बात करूं, ये था CH3 this है ना, इतना इधर में. और फिनोल में थोड़ा बॉन्ड एंगल कम हो गया था, एल्कोहल में और कम हो गया था, है ना, ड्यू टू बिग साइज एल्काइल ग्रुप अराउंड द ऑक्सीजन. ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? देखो एक बार बॉन्ड एंगल दिखा भी देता हूं एक बार वापस. देखो बॉन्ड एंगल देख रहे हो ना, इधर में कितना है? 1117. फिनोल में कितना है? 109. मेथनॉल में कितना है? 108. तो आप यहाँ से देख लो ना, सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है? मेथनॉल का. और उससे ज्यादा किसका है? फिनोल का. उससे ज्यादा किसका है? डाइमिथाइल ईथर का, ईथर का. हो गया? हाँ भाई, क्लियर है? हाँ सर. अच्छा चलो, अब यहाँ पे देखो
अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखने वाली, यहाँ अगर यहाँ sp3 hybridization था तो ether में तो sp3 hybridization होने की वजह से 109.5 degree angle होना चाहिए था, यहाँ पर 111 कैसे आ रहा है, तो वैसे आ रहा है भाई CH3 बहुत bulky group होता है, इधर भी बहुत bulky group है, तो जो bulky bulky group होता है, तो bulky group का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड देम, इनके अराउंड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, है ना, ये तो ना बल्कि ग्रुप, तो जिसकी वजह से इसमें रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगने की वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से 109 होगा, कितना आ रहा है 111, तो इसीलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है वो होता है डाइमिथाइल ईथर एंड आफ्टर दैट फिनोल एंड आफ्टर दैट मेथनॉल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है। आगे देखें, ये पॉइंट मैं बता ही चुका हूँ, तो वही बॉन्ड आ रहा, वो ऑर्डर लिख रखा था यहाँ पे, ये रहा, है ना, ये आ गया। ड्यू टू बिग साइज अराउंड ईथर एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन अराउंड, दी ऑक्सीजन है ना, ये कह रहा है कि ड्यू टू बिग साइज एल्काइल ग्रुप्स अराउंड दी ऑक्सीजन, जब जब ऑक्सीजन के अराउंड एल्काइल ग्रुप होंगे बड़े बड़े, तो उनके बीच में रिपल्शन लगेगा, तो एंगल जो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट आ रहा था, दैट इंक्रीज टू 111 डिग्री, दैट मींस द एंगल बिटवीन ईथर इज मोर देन फिनोल एंड एल्कोहल, ठीक है, या अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ईथर की बॉन्ड लेंथ फिनोल ज्यादा होगी, इसमें तो कोई डाउट क्यों होना चाहिए, एल्कोहल ईथर की बराबर है, क्यों भाई, एल्कोहल ईथर में तो रेजोनेंस ही नहीं, एल्कोहल में रेजोनेंस नहीं है, एल्कोहल में sp2 कार्बन भी नहीं है, है ना, तो इसकी वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, फिनोल के अंदर रेजोनेंस है, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, sp2 कार्बन है, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, तो रेजोनेंस फिनोल के अंदर रेजोनेंस का होना और sp2 कार्बन का होना मजबूर कर रहा है बॉन्ड लेंथ को कम होने का, जबकि एल्कोहल ईथर में ना तो रेजोनेंस है ना sp2 कार्बन है, जिसकी वजह से बॉन्ड की लेंथ कम नहीं होगी और उतनी ही रहेगी जितनी होनी चाहिए सिंगल बॉन्ड की। क्लियर है बॉन्ड लेंथ ऑर्डर? हाँ सर। चलो आगे, यूज ऑफ मेथनॉल, अच्छा मेथनॉल, अच्छा यहाँ देखो जो सिलेबस है आपका बोर्ड टर्म का, उसमें मेथनॉल एथेनॉल ये कम्प्लीटली हटा दिया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में ना पढ़ा दिया, तो यूज पढ़ाने की नीड थोड़ी है जो बोर्ड टर्म में नहीं है, क्या सर, ये जो मेथनॉल की यूज है ना, ये मेथनॉल की यूज, तो वो देखना अपना सिलेबस बोर्ड टर्म का, तो मेथनॉल एथेनॉल सिलेबस से ही हटा दिया है ना, स्ट्रक्चर थी सिर्फ, वो स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर में ना बता दी, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो पढ़ाने का कोई इनका कोई मतलब नहीं, मतलब थोड़ी ना है, यूज पढ़ाऊं, पढ़ना चाहते हो तो सर, जब नहीं है तो रहने दो, रुको एक मिनट जरा, मैं ईयरफोन लगा लूं, सही आई, हेलो, हाँ सर, हाँ आ रही क्लीन, हाँ तो यूज बता दूं या फिर आगे बढ़ जाऊं, जब नहीं आ रहा तो सर रहने दे दो, हाँ एक बार सिलेबस तुम भी देख लेना, मैंने रात देखा था ना चैप्टर पढ़ाने से पहले, तो मैं देख रहा था कि भाई कल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्या क्या पढ़ाना, तो मैं देख लेता मैंने, तो मेथेनॉल है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में, आगे बढ़ा रहा हूँ ना, एथेनॉल है, दोनों ही नहीं है ना, मेथेनॉल ना एथेनॉल, ठीक है, तो ये सारी चीज मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो जो मैंने तुम्हें पीपीटी तो मिल गई होगी तुम्हें, हाँ सर, ठीक है, एल्कोहल मेथेनॉल तो है नहीं, तो मैं इनको हटा, क्वेश्चंस को भी हटा रहा हूँ, एक बार सिलेबस फिर भी तुम देख लेना जरूर इस चैप्टर का, है ना, मैंने तो देखा था आपको, तो कुछ भी था नहीं, हटा दो, चलो मैं नेक्स्ट पीपीटी ओपन करता हूँ जरा, ये वाली अब है, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाली पीपीटी, चलो ये है मैं और ये है इम्पोर्टेंट, भैया आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, ये प्रिपरेशन एल्कोहल दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोर्ड में क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी चांस है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तो हम पहले पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल को बनाने के तरीके क्या क्या है, पहला तरीका हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल,
एल्कीन का अगर हाइड्रेशन कर दिया जाए तो एल्कोहल बन जाता है। दूसरा तरीका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन्स का हाइड्रोबोरेशन करने के बाद फिर ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो एल्कीन्स बन जाता है। थर्ड ऑप्शन है रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन या हाइड्रोजिनेशन करते जाए कार्बोनिल कंपाउंड का। कार्बोनिल कंपाउंड आप जानते होंगे ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड से भी एल्कोहल को बनाया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो फोर्थ वाला है ना इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला ये होता है जो आपके सामने लिखा है RMgX, जहां पर R बताता है कार्बन की चेन, Mg मेटल, X कुछ भी हैलोजन, फ्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन। अमूमन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेते हैं ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इन चार तरीके से जो है हम एल्कोहल को बना सकते हैं। ये अभी तो हेडिंग है, अभी तो इसमें कुछ समझने वाली बात ही नहीं है ना, तो ये हमारी हेडिंग है। और एक तरीका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा तरीका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तीसरा तरीका रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन ऑफ कंपाउंड, और फोर्थ टाइप है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होता है, RMgX, नाम क्या होता है R फॉर एल्काइल, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब हैलाइड। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या हो गया, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। आगे देखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, तो हम पहले शुरू में लिखा है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसका एक कॉमर्शियल मेथड होता है। कॉमर्शियल मेथड आप जानते हो, कॉमर्शियल मेथड होता है जो इंडस्ट्रियल वर्क मेथड होता है, मतलब इंडस्ट्री पे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एल्कीन, एल्कीन तो आप जानती होंगी, एल्कीन बोलते हैं उस कंपाउंड को जिसके अंदर डबल बॉन्ड, और हाइड्रेशन का मतलब भी जानते होंगे, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को ऐड कराना, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को निकालना। भाई हम भी तो कहते हैं भाई गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है ना, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को ऐड करना, और डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी को निकालना। तो हमें क्या करना है, एल्कीन में पानी को ऐड कराना है, और ऐड कराने पर देखोगे आप, आपको एल्कीन बनने तैयार हो जाएगा। कैसे बनेगा वो हमारा डिस्कस करेंगे, पहले अभी तो इंट्रो चला। तो ये एल्कीन है ना, इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखूं तो आईयूपीएसी नेम इसका इथीन, और कॉमन नेम इसका लिख सकता हूं मैं इथाइलीन, ठीक। इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं इससे। अब देखो ये जो लिया है मैंने, ये लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4 है, ध्यान से देखो क्या H2SO4 दिखाई दे रहा है, हाँ भाई H2SO4 की स्ट्रक्चर ये होती है, ये होती है एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये OH, ये इतनी स्ट्रक्चर को तो मिला के लिख दिया है, पूरे हाइड्रोजन को बाहर दिखा के लिख दिया है, बाकी स्ट्रक्चर को मिला रखा है ना। ये H2SO4 को लिखने का तरीका, आगे देखो H2SO4 भी लेना है कैसा, कंसंट्रेटेड, इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे, और कोल्ड, कोल्ड मतलब टेम्परेचर आपको कम करना है इसमें, टेम्परेचर ज्यादा नहीं करना। तो देखो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या भाई, जो एसिड होते हैं वो क्या देते हैं, H+ देते हैं, H- देते हैं, एसिड क्या सर, एसिड क्या देते हैं, H+ या H- वो H+ सॉरी H+। हाँ, देखो यहां से H+ निकलेगा, ये माइनस ये प्लस, ये H+ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ढूंढता यहाँ पर जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर है, तो ढूंढता इनके पास जाएगा, और इनके पास जाकर जुड़ना शुरू करेगा, कैसे जुड़ेगा, ये भी बॉन्ड टूट जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, एक तरफ माइनस कर लो एक तरफ प्लस कर लो, क्योंकि एल्कीन सिमिलर है तो किधर भी माइनस कर लो किधर भी प्लस कर लो, लेकिन H+ वहां जुड़ेगा जिस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और जिस पर पॉजिटिव आएगा उस पर बाकी बचाओ, उस पर बाकी बचा पार्ट बाद में जुड़ेगा, लेकिन पहले H+ जुड़ेगा जाके, है ना। चलो देखो एरो देखो H+ को तो इसने माइनस वाली कार्बन में जोड़ा, बाकी बचे हुए पार्ट को प्लस वाले कार्बन में जोड़ा, और होना भी चाहिए, प्लस माइनस से जुड़ेगा, माइनस प्लस से जुड़ेगा। चले तो क्या आप देखो प्रोडक्ट वही आया जो मैंने होना चाहिए था, CH2 पे हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया CH3, इस वाले कार्बन पे बाकी पूरा पार्ट जुड़ गया तो बन गया OSO3H।
इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है भाई। दो कार्बन को बोल दिया इथाइल, है ना, और एच है तो एच जुड़ा है इसमें, है ना, एच एक्स एच हाइड्रोजन और एसओ थ्री और एसओ फोर। हाँ बोलो सर, मैं कह रहा हूँ कल परसों में क्लास ऑफ रहेगी शायद, कल या परसों, कल परसों दोनों। हाँ बाहर जाना है कल तो शायद, मतलब बाहर ऑनलाइन शायद हो जाएगी शायद, मतलब बता दूंगा मैं। चलो बता देना जैसे भी, टाइम शायद थोड़ा चेंज हो जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं, कल तो सब फ्री होंगे, कल तो सैटरडे है, वो सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, किस दिन फ्री रहते हैं? मैं तो देखो अब तो स्कूल ओपन हो रहे हैं सैटरडे में, हालांकि कल तो छुट्टी है, आज भी छुट्टी थी स्कूल की, लेकिन स्कूल तो आना पड़ता है क्योंकि बच्चे तो आए टीचर्स को काम, लेकिन थोड़ी मीटिंग चल रही तो इसलिए लेट हो गया, वरना मैं तुम्हारी पहले ले लेता 1 बजे ही शायद। तो कल भी छुट्टी है हमारी, ठीक है, कल भी मैं पूरे दिन फ्री हूँ। कल फिट जी है? नहीं सर। बस तो कल तो आराम से 3 बजे ले लेंगे, है क्या दिक्कत है? हाँ सर बता दूंगा कल। चलो चलो तुम अपने हिसाब से बता, हाँ मतलब वो कल, वो तो कल की कल देख लेंगे, ठीक है। चलो अब ये देखो, अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना है इसको हमने गर्म करा वाटर की प्रेजेंस में, देखो वाटर नीचे लिखा हुआ आ गया होगा, नीचे लिखा वाटर H2H, ये रहा, ये रहा वाटर की प्रेजेंस में इसको गर्म करा, आपको वो दिख रहा है SO3H, बढ़िया, ठीक है, ये दिखा रहा है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, फिर से H2SO4 बना सकते हैं, है ना, ये आप खुद सोचो, ये वाला पार्ट SO3H, इस पे तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा जब ये टूटेगा यहाँ से, बीच में से कोई गर्म कर रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है एच इस पार्ट से मिलकर फिर से क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, नहीं बना लेगा। और ये OH यहाँ जा, यहाँ से जाके जुड़ेगा तो यहाँ जुड़ेगा तो क्या अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर देखा कैसे कराया, एक बार मैं फिर बताता हूँ कैसे कराया, वाटर, वाटर को ब्रेक कर रहा, इस पाया नेगेटिव, इस पाया पॉजिटिव, ये भी ब्रेक हो रहा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, एक अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा, एक H2SO4 बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये एल्कोहल के बनाने का तरीका हो गया। अब आप ये देखें क्या इसमें जब हमने यहाँ से शुरू की थी एल्कीन, तो क्या एल्कीन में अल्टीमेटली वाटर ही तो ऐड हो रहा है, H2SO4 तो बाहर निकल गया ना, H2SO4 तो जो आपने ऐड किया था पहले स्टेप में ऐड किया, लास्ट स्टेप में बाहर निकल गया, अल्टीमेटली ऐड क्या हुआ, वाटर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि वाटर ही एल्कीन पर ऐड होता है, तो एल्कीन पर एल्कीन है ही, हाइड्रेशन मतलब वाटर, मतलब वाटर का एल्कीन पर ऐड होना, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। क्लियर? ठीक है, आगे देखो, तो इसका नाम मेथेनॉल है, जानते होंगे आप, प्राइमरी एल्कोहल है, पहचान भी क्योंकि OH एक जिस कार्बन जुड़ा है वो एक कार्बन जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी एल्कोहल है, कॉमनली कॉल्ड एस ग्रेन एल्कोहल, इसको ग्रेन एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, इथाइल एल्कोहल को, है ना। आगे मैकेनिज्म, अब इसका मैकेनिज्म भी देख लो, मैकेनिज्म भी जानना जरूरी है, तो मैकेनिज्म ये है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, H3O+ जो होता है वो एल्कीन का प्रोटोनेशन कराता है, कैसे कराता है, अलग वाटर है, वाटर भाई आपने क्या लिया था, स्टार्टिंग में H2SO4 जो लिया था उससे तो आएगा हमारा H+, ये H+ कहाँ से आ रहा है, ये H+ सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है जो आपने H2SO4 लिया, वो H+ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट वाटर से रिएक्शन करके H3O+ बनाएगा, कैसे बनाएगा आपको ये भी सोच लो भाई, आप सोचो वाटर क्या होता है, HOH और ये H+, देखो इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, हाँ जी है, ये लोन पेयर H+ लेगा तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और जुड़ जाएगा H, तो क्या बन जाएगा HOH, HOH, और एक H जुड़ गया
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है H3O+1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? आगे क्या है? अब यही H3O+ क्या करता है, वाटर पे भी है। अब ये क्या है, H3+ आपको दिख रहा होगा। अब H3+ कुछ सोचो, O पर पॉजिटिव आना एक अनस्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल क्यों है? ऑक्सीजन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर आपने प्लस क्रिएट करा है तो उसका मतलब ये है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के बाद, और आपने उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो वो अनस्टेबल सा फील करेगा। भाई जो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत हाई है, आपने उससे इलेक्ट्रॉन छीन कर उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया है, तो ऑक्सीजन ये चाहेगा कि वो जल्द से जल्द न्यूट्रल हो जाए, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, H+ को निकालना चाहेगा। तो H+ को निकालना चाहेगा तो यहाँ डेंसिटी है, जैसे H+ बनेगा ये डेंसिटी को खोजना शुरू कर देगा, ये डेंसिटी H+ को पकड़ लेगी और बोलेगी भाई मेरे पास आ जा, अगर तुझे O+ ने बाहर निकाल दिया है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे पास डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं तुझको होल्ड करके रख लूंगा। तो ये H+ डेंसिटी पर जाएगा, और जाएगा किस तरीके से जाएगा, एक तरफ माइनस आएगा एक तरफ प्लस हो जाएगा, तो जिस माइनस वहां से घूम जाएगा कार्बन+ बना रह जाएगा, कार्बन+ यहाँ पर बना रह जाएगा। यानी कि आगे आने वाली सिचुएशन में क्या होगा, देखो कार्बन+ बना रह गया लेकिन माइनस को तो H+ जुड़ गया जाकर, लेकिन कार्बन+ रह गया। तो कार्बन+ जैसी बनता है इसी को तो बोलते हैं कार्बोकैटायन, इसी को बोलते हैं कार्बोकैटायन, जब कार्बन पॉजिटिव आ। अब ये कार्बोकैटायन का कौन इलाज करेगा, इस कार्बोकैटायन का वाटर इलाज करेगा। वाटर के पास लोन पेयर कार्बन पॉजिटिव कह रहा है भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, वाटर का लोन पेयर कह रहा है भैया तुमने क्या फिक्र करी, हमारे पास है लोन पेयर, लो लोन पेयर जितना लोन पेयर लेना है, ये इसको लोन पेयर देगा। जैसे ही लोन पेयर देगा तो वाटर के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये इसको वाटर लोन पेयर दे रहा है, तो देखो क्या वाटर के ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब वाटर का ऑक्सीजन बोलेगा भाई ये कहाँ की अकलबंदी है कि मैं इतना पावरफुल इंसान हूँ, मैं इतना पावरफुल एलिमेंट हूँ कि मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता सिवाय फ्लोरीन के, और आपने कार्बन+ को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो अनस्टेबल फील करेगा, तो तुरंत क्या करेगा, तुरंत इस प्लस को बाहर निकाल देगा। आप ये भी पूछ सकते हो सर ये वाला बॉन्ड भी तो टूट सकता है, हाँ टूट सकता है, अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ा तो पीछे पहुंच जाओगे, तभी तो यहाँ इक्विलिब्रियम लग रहा है, इक्विलिब्रियम इन द सेंस आगे तब आएगा जब वाटर का लोन पेयर अटैक करेगा, और पीछे तब आएगा अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया तो आप पीछे पहुंच जाओगे, और इतनी बात तो कन्फर्म है कि अगर पीछे पहुंच जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप रिएक्शन कराई इसलिए रहे ताकि रिएक्शन आगे की तरफ जाए, तो पीछे आने से तो कुछ फायदा नहीं होगा, तो आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, एच बॉन्ड तोड़ना है। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम इसलिए लगा है कि भाई जरूरी नहीं एच बॉन्ड टूटे, सी वो बॉन्ड भी टूट सकता है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, क्लियर? हाँ सर। हाँ, अगले स्टेप में H+ बाहर निकल जाएगा, तो देखो अगले स्टेप में H+ बाहर निकालेगा वो, ये देखना। और ये H+ को निकालने में कौन मदद करेगा, वाटर फिर से मदद करेगा। वाटर कहेगा भाई मेरे पास लोन पेयर है कोई H+ भेजो, H+ यहाँ से निकलेगा, तुरंत इसके पास जाएगा, तो वाटर मदद कर रहा है H+ को बाहर निकालने के लिए, और O+ भी चाह रहा H+ बाहर निकल जाए, तो दोनों फैक्टर एक डायरेक्शन में काम करें तो H+ को खटाक से बाहर निकाल देंगे, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो एल्कोहल बन गया तैयार हो जाएगा आपके सामने, एल्कोहल पिस जाएगा और जो है H3O+ अलग निकल जाएगा। H3O+ बनकर फिर से पहले स्टेप में पहुंच जाएगा, और फिर से रिएक्शन ऐसी होती रहेगी जिससे स्टार्टिंग से हो रही है, देख रहे हो, ये H3+ बना है, ये पहले स्टेप में फिर से पहुंच के फिर से वही काम करना शुरू कर देगा जो हमने पहले स्टेप में करा था। पहले स्टेप हमने H3+ ही तो बनाया था, और वो फिर अटैक कर रहा था एल्कीन पे, ठीक है, तो फिर से वही काम होगा शुरू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो शायद आगे एग्जांपल है, एक एल्कीन दिख रही होगी आपको, हाँ दिख रही है, प्रोटीन, इसकी रिएक्शन H+O SO4- से कराई जाएगी, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, आप जाहिर सी बात है सल्फ्यूरिक एसिड के एच पर पॉजिटिव चार्ज होगा और बाकी पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, आपको उसको जोड़ना है। अच्छा मार्कोनी का रूल आता है आपको, अच्छा बताया था, भूल गया था मैं, हाँ उसमें बताया होगा मैंने तुम्हें जब वो पढ़ाया था एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है ना, हाँ सर, हाँ मार्कोनी का रूल ये होता है कि जब भी किसी एल्कीन पर आप हाइड्रोजन जोड़ते हुए कुछ भी जोड़ते हुए, तो हाइड्रोजन तो वहां पर जाके जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, और नेगेटिव चीज वहां पर जाके जुड़ती है जहां पर कम हाइड्रोजन होते हैं, ये है मार्कोनी का रूल। देखो H ऐसे याद रखो H पे प्लस
प्लस मतलब ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन को वहां जोड़ना है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन। नेगेटिव का माइनस, माइनस मतलब कम, मतलब ओ माइनस नेगेटिव स्पीसीज को वहां पर जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो आप देख लो यहां पर दो हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, जहां पर दो हाइड्रोजन है वहां वहां एच जोड़ देंगे, और जहां पर एक हाइड्रोजन है वहां पूरा पार्ट उठाकर जोड़ देंगे। ये होता है मार्कोनी कॉप, और ये बन जाएगा देखो, देखो एच कहां पर जोड़ा है, यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन थे तो देखो सी एच थ्री हो गया। ओ माइनस कहां पर जोड़ा, यहां कम हाइड्रोजन थे तो देखो ओ कम किसमें थे, बीच वाले कार्बन में, तो बीच भी तो जोड़ा है। क्लियर है मार्कोनी कॉप रूल? यस सर। मार्कोनी कॉप रूल भी जो है, अच्छा एक दिन ऐसा बना लो जिसमें तुम्हें टेस्ट देना ही देना है। वो पिछला टेस्ट ओपन हुआ था वो लैपटॉप पे ओपन होता है, मोबाइल पे ओपन हो जाता है, पर वो एंड्रॉइड होना चाहिए। लैपटॉप पे तो आ ही नहीं रहा था, फोटो भेजी तो थी मैंने, लैपटॉप पे तो शो ही नहीं कर रहा था। अच्छा तो मोबाइल अगर एंड्रॉइड हो ना तो उस पर ओपन हो जाएगा वो एंड्रॉइड मोबाइल पे। अगली बार जो है मोबाइल पर देना उसे टेस्ट। ठीक है सर। तो कोई एक दिन या ऐसा कर लो, हर तीसरे दिन टेस्ट दे दो, दस भले ही क्वेश्चन कम कर लो लेकिन जो है हफ्ते में दो तीन बार दे दो ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। दस दस क्वेश्चन कर लो हर तीसरे दिन में, हफ्ते में दो या तीन बार दे दो टेस्ट। ठीक है सर। और ज्यादा टाइम भी नहीं, 15 मिनट का टेस्ट दूंगा, मतलब बोर्ड टाइप बोर्ड लेवल के क्वेश्चन दूंगा सर जो बोर्ड में आते हैं। 15 मिनट का टेस्ट रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो मैं एक शेड्यूल बना दूंगा, तुम मुझे व्हाट्सएप पे बता देना कि इस दिन में टेस्ट रख सकते हैं, 3 दिन बता देना। ठीक है सर। तीन दिन या 2 दिन जो तुम्हें लगे, 2 दिन लगे, 2 दिन या 3 दिन, जैसा मुझे बता देना कि सर इस दिन टेस्ट रख देना, और ये टाइम हो 6 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे या दोपहर के 12 बजे 1 बजे जो टाइम तुम्हें लगे। ठीक है। चलो तो ये बन गया। अब आगे देखो, हाँ इसका नाम तो ही आ गया। अब आगे इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो आपसे वैसे गर्म करने पर ये वाटर जाके ऐड होता है ना, ये एच और ये तो मैकेनिज्म में पढ़ा था, ये दोनों जुड़ के स्टेरोफोर बना लेंगे और ये नेगेटिव पार्ट वहां पर जुड़ जाएगा जाके। तो देखो वही तो है जो हम पीछे पड़ता है, नाम तो आपका प्रोपेन टू ऑयल सेकेंडरी अल्कोहल OH सेकंड कार्बन जुड़ा हुआ। प्रोडक्ट बना सकते हो, इसका प्रोडक्ट बना सकते हो, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका UPC नाम बता के दिखाओ, इसका प्रोडक्ट बनाओ। चलो प्रोडक्ट सर, आप पहले वाटर ऐड कराओ। CH3 अच्छा प्लस H बॉन्ड तो भाई सिंपल सा प्रोडक्ट क्या बनाओ। हाँ ये तो यहाँ जुड़ जाएगा CH2 पे। हाँ और OH2 पे बन गया, OH पे जुड़ जाएगा, बन गया प्रोडक्ट। इसमें क्या है, हेलो मार्कोनी का फूल लगा दिया, ये रहा, ये तो बना होगा, ये बना होगा प्रोडक्ट। हाँ सर हो गया काम, ये है एडिशन ना करना, मतलब टर्शियरी अल्कोहल बने। नो, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इस मेथड को सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल एक्सेप्ट एथेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल को बनाने में जनरली इसको यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ एथेनॉल को छोड़कर। इसका रीजन ये होता है कि जो कार्बोकैटायन बनता है ना बीच में रिएक्शन के मैकेनिज्म में, वो प्राइमरी तो कम स्टेबल होता है। तुम्हें भी पता होगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, टर्शियरी वाला होता है, अगर आपको पता हो। सबसे ज्यादा टर्शियरी होता है, फिर सेकेंडरी कार्बन होता है, सबसे कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बन। इसलिए प्राइमरी वाले अल्कोहल बनते ही नहीं है, क्योंकि जब जब अल्कोहल बनेगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन से वो होकर गुजरेगा, जो कि अनस्टेबल हो गया, बहुत कम स्टेबल, अनस्टेबल तो नहीं कह सकते बहुत कम स्टेबल, बहुत कम स्टेबल है तो प्रोडक्ट भी बहुत कम बनेगा, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनाते इस मेथड से।
ठीक है आगे चलो। सम कॉमर्शियल इम्पोर्टेंट एल्कोहल, कुछ इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल एल्कोहल है जैसे कि मेथेनॉल है, जैसे कि एथेनॉल है, ये तो जानती हो है ना। मेथेनॉल और एथेनॉल सबसे ज्यादा इनका यूज किया जाता है। एथेनॉल के तो आप जानती हो वो मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा यूज होता है और वाइन्स में दुनिया भर का यूज होता है ना। और मेथेनॉल भी बहुत जगह यूज किया जाता है ना, परफ्यूम्स वगैरह में भी एथेनॉल मेथेनॉल का यूज किया जाता है मेथेनॉल। अच्छा मेथेनॉल को हटाई दिया सिलेबस से तो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेथेनॉल एथेनॉल ये तो मैं पढ़ना ही नहीं, हालांकि एनसीईआरटी में भी है, मैं सिलेबस भेज दूंगा यार तुम खुद ही देख लेना। मेथेनॉल एथेनॉल बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बताओ ये क्वेश्चन फोर्थ। बता सकते हो क्या इसे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ वन प्रोपेंटेन बाय नाइट्रोजन न्यूक्लियस गिव्स। एक सेकंड सर, बस प्लस माइनस निकाल ले और जोड़ ले उनको अकॉर्डिंग। प्लस माइनस निकाल सब उनको जोड़ दो। पता नहीं सर क्या है वो। वन प्रो, वन प्रो बेटा पहले इसका नाम लिखो। एक दो तीन चार पांच, वन ब्रोमो पेंटेन, मतलब पहले पे क्या लगा है ब्रोमो और पेंटेन, क्या ये फॉर्मूला है? एच लगा सकते हैं हम यहाँ CH3 है ना, CH2 और ये CH2 ठीक है। अब इस पे हमें एक्वस NaO जोड़ना है तो कुछ भी नहीं, बस Na पे क्या है प्लस, OH पे क्या है माइनस, इसी तरीके से जोड़ो। Br पे क्या आएगा नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव को जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, NaBr बनकर अलग हो जाएगा प्लस OH जब जुड़ेगा तो ये आ जाएगा CH2 और CH2। बताओ क्या नाम आएगा इसका जो एल्कोहल आया आपके सामने। वन पेंटेन बस, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। हाइड्रेशन ऑफ इथीन, इथीन का हाइड्रेशन करने पर क्या मिला था? इथीन तो आप जानते हो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रेशन करा था मतलब इसमें वाटर ऐड कराया था तो क्या मिला? प्रोपेनॉल नहीं, ऑप्शन बोलो। प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल लिया। हाँ ऑप्शन कौन सा? सी, बस इथेनॉल मिलेगा भाई। आप खुद सोचो ना, ये H प्लस हो गया तो ये OH माइनस हो गया। अब यहाँ तो बराबर कार्बन है तो कहीं भी कुछ भी दे दो, एक को H प्लस दे दिया, एक को H माइनस दे दिया, तो एथेनॉल हो गया। ये बताओ, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रेशन ऑफ थियोमिथाइल ब्यूट टू इन प्रोड्यूसेस, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ फिर उसको वाटर ऐड कराओ बॉन्ड तोड़कर अकॉर्डिंग टू मोर को लिखाओ, और फिर जो प्रोडक्ट बनेगा फिर उसके IUPAC नेम लिखो, उसका ऑप्शन टिक करो। Thank you.
टू मिथाइल ब्यूटेन टूल, ऑप्शन बोलो। सी सी बिल्कुल सही आंसर। या चलो आगे देखो, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोफ्लोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्गी। अब इसको देख लेते क्या होता है हाइड्रोफ्लोरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्गी, ये देख लेते। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्गी, अच्छा ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्गी है, हाइड्रोफ्लोरेशन ऑक्सीडेशन है ना, हाइड्रोफ्लोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्गी। क्या करते हैं, एल्किन लेते हैं प्रोपीन जैसे कि, उसकी रिएक्शन B2H6, इसी को वो इसको बोलते हैं, इसको इसका नाम होता है डाइबोरेन। B2H6 का नाम होता है डाइबोरेन। फ्रिजी तो नहीं है तुम्हारी? है सर, है सर। हेलो, हाँ सर है। किस टाइम से है? हेलो, अभी से है सर। अभी है सर, अभी अभी। हेलो, आगे कंटिन्यू करूं? सर बाद में करा दीजिएगा, लिंक भेज दिया सर ने, स्टार्ट हो गई है क्लास। ठीक है तो फिर है, ठीक है सर।